पिक्चर चालू करो बे। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, प्रधानमंत्री सुन लिया ना मैंने, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपने बोला तो सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को सुन रहे हैं, आपने जो बोला मैंने सुना दिया। हाँ अब मैंने आपको सुन लिया ना, मेरी बात सुनिए ना, क्रॉस क्वेश्चन ना करूं। नहीं यहाँ आपकी ये मजलिस लगा के हम लोग बैठ जाएं क्या अमित भाई? रोजा रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इमाम बन जाएंगे। और आप जो शहजाद है नहीं ना, कुछ टेक्निकल एरर हो गया है और मैं चाह रही थी कि शहजाद आपके इन सवालों का जवाब दे, ये बहुत जरूरी है आपने जो सवाल पूछे, एंड आई एम वेटिंग कि वो आए और आपके इन सवालों का जवाब दे। लेकिन चूंकि आपने इन तमाम ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का जिक्र किया है, फ्यूचर गेमिंग भी उनमें से एक था, टीएमसी इंडिया गठबंधन की साथी है कि नहीं है? इसी फ्यूचर गेमिंग ने 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीएमसी को दिया है कि नहीं दिया है? अब ये फ्यूचर गेमिंग जब बीजेपी को देता है तो ये शैतान है, आप लोगों को देता है तो बढ़िया बढ़िया। ममता बनर्जी जो है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चला रही है। अच्छा। ममता बनर्जी के अंदर नहीं है। अच्छा। ममता बनर्जी के अंदर नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा। जबकि एक रीजनल पार्टी है, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। और आपने उनको क्लियर सर्टिफिकेट बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को, प्राइम मिनिस्टर को बचा नहीं पाएंगे। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तू समझा? हां क्या काम आपका काम हो गया है? आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए, आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो। अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा, प्रूव कीजिए ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला कर बोलने से कुछ नहीं होगा। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा, चार पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। You are defending. I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। Of course. He is a corrupt man. अरे ऐसे ऐसे करने से corrupt नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. Give me a proof. He is demolishing the democracy. मैं कह रही हूँ, give me the proof. He is demolishing the democracy. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? Corrupt corrupt चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप तो अच्छे खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए, आप मामला दर्ज करवाइए जिस प्राइम मिनिस्टर। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो, आपको जाइए, मैं जानता हूँ पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये पन्ने लाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए ममता दीदी करप्ट नहीं है, ममता दीदी एक्सटॉर्शन नहीं चलाती है, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, साथ खड़ी है। वो करप्ट है, मजबूरी है। ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के आप क्या ममता दीदी के पेरोल पर हैं? पेरोल पे हो आप, ममता दीदी के पेरोल पर हैं, प्राइम मिनिस्टर के पेरोल पे हो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई मेरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। जैसे मैं आपके अखिलेश यादव की इज्जत करती हूँ, वैसे आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे? देश अखिलेश जी का आपको इतनी नफरत है उस आदमी से कि आप उस कुर्सी की इज्जत भी नहीं करते हैं? यही तो आपको ले डूबता है ना, आपके अंदर की नफरत आपको खा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पेरोल पर हो जाते हैं, आप दीदी के पेरोल पर हैं, आपको दीदी पैसा दे रही है, आप फ्यूचर गेमिंग के पेरोल पर हैं। फ्यूचर गेमिंग वाले दीदी को चंदा देते हैं, तब दीदी एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक्सटॉर्शनिस्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी, अरे आप कहिए ना, भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कहिए। आप मैं कह रही हूँ इलेक्टोरली, जिसको आप किसी नेता को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कीजिए ना। मगर क्यों? शहजाद पूनावाला अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे भाई आपको आप जिस पार्टी को कहना चाहते हैं कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्टी को कहिए ना। ओके शहजाद पूनावाला आ चुके हैं, अब जवाब दीजिए। अरे आप तो डिफेंड कर ही चुकी हैं, उनकी क्या जरूरत है? अब नहीं, मैं तो करूंगी, सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। खाओ माँ कसम। अमीर जामई, अमीर जामई, मैं तो कह रही हूँ, माशाल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ,
देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, कोई अमित चौहान मुझे रोक नहीं सकेगा। चुप साली, बकवास करती हरामखोर, चीर के रख दूंगा। आप रहिए जिसके साथ आपको रहना है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।